ऑलरेडी एम्बैरेसिंग, ऊपर से अनुपमा ने भी सब कुछ देख लिया। वो वहां कर क्या रही थी? अरे मुझे क्या पता वो वहां क्या कर रही थी। गॉड, पता नहीं क्या सोच रही होगी। दो दिन भी नहीं हुए और ऐसे पब्लिक प्लेस में लड़ रहे थे। वो नंदिनी को भी बहाना मिल गया एक और मुझे टॉन्ट करने का। तुम्हें वहां इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें क्या जरूरत थी वहां पे इतना हंस हंस के बात करने की? एक तो तुम बिना बताए चली गई, ऊपर से तुम फोन नहीं उठा रही हो। मेरे बैक पे दर्द है, मैं फिर भी पागलों की तरह तुम्हारे पीछे तुम्हें ढूंढने आया हूं और तुम वहां पे हंस हंस के उस लड़के से बात कर रही हो। बात ही तो कर रही थी वी। मुझे तुम्हारा ऐसे किसी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे भी तुम्हारा अनुपमा से बात करना पसंद नहीं है। और मुझे ये भी पसंद नहीं है कि तुम उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाओ। ओ, तो तुम उससे कल का बदला ले रही हो? क्लियर कर रही हूँ वी, तुम मुझसे झूठ बोल के अपनी फैमिली से मिलने जाओ और अनुपमा के हाथ का बनाया हुआ खाना खाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अपने फ्रेंड से मेरी फैमिली को कंपेयर कर रही हो? वहाँ मेरे बाप बापू जी हैं, बच्चे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट हैं। अरे फ्रेंड्स अपनी उम्र के लोगों को बनाया जाता है, किसी 25 साल के लौंडे को नहीं। माइंड योर लैंग्वेज वी। तुम मिडिल क्लास आदमियों की ना यही प्रॉब्लम है, लाइफ में चाहे कितना भी ऊपर उठ जाओ लेकिन गुस्सा आते ही ना ऐसा बिहेव करने लगते हो। और तुम औरतों को झगड़ा करना ही नहीं खींचना भी होता है, इधर की उधर उधर की इधर, ये नहीं कि बात करके झगड़ा खत्म करे। देखो वी, मैंने ना ही तुम्हें कभी चीट किया है और ना ही करूंगी। अगर मुझे ऐसे ही बॉयफ्रेंड्स बनाने होते तो मैं एक शादीशुदा आदमी के साथ प्यार क्यों करती? वी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ काव्या, एंड आई होप यू नो दैट। और जब से तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता जुड़ा है तब से मैं अनुपमा के साथ एक ही बेड शेयर करता हूँ, लेकिन आज तक कभी उसे हाथ नहीं लगाया, तुम्हारे साथ कभी चीट नहीं किया। तो फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? Because I'm jealous. तो मैं भी jealous हो जाती हूँ ना। देखो वी, 8 साल से मैंने ये सपना देखा है कि हम दोनों फाइनली एक साथ एक घर में एक छत के नीचे एक कपल की तरह रह सकें। और आज जब हमें वो मौका मिल गया है, then let's not spoil it. And remember, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार थोड़ा सा भी कम हो गया ना, या अगर खत्म भी हो गया ना, फिर भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, तुम्हें साफ साफ बता दूंगी। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, मुझे तो ये भी कम लगता था। अब ये झगड़ा हम यहीं खत्म कर दें। Get ready, वी, वरना हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। ये अनुपमा को भी तभी आना था। God, क्या इज्जत रह गई मेरी। 80,000 में तो एक गरीब के घर की बेटी की शादी हो सकती है, पर तेरे कोर्स वाले ऐसे कौन से चांद पे भेज रहे हैं जो 80,000 मांग रहे हैं। बा, आजकल आप कोई भी कोर्स करने जाओ ना 80-90 हज़ार रुपए तो मिनिमम लग ही जाते हैं। हाँ, और ये कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे मुझे आगे के स्पेशलाइजेशन में मदद मिलेगी। वो तो ठीक है बेटा, पर डोंट वरी मम्मी, आई नो आपके पास इतने पैसे नहीं, इसलिए मैंने पापा से कह दिया, वो थोड़ी देर में आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। भले हमने उसे पराया कर दिया, पर मेरे बेटे को अभी भी इस परिवार की कितनी चिंता है। स्वीटी, पापा से पैसे मांगने से पहले एक बार मुझसे या पापू जी से बात तो कर लेती। आपने पापा से तो पैसे मांगे हैं मम्मी, उसमें क्या पूछना। आपसे बोलती तो आप भी पापा से मांगते ना। अकड़ वो दिखाए जिसकी अकड़ दिखाने की औकात हो। वैसे भी बच्चों की पढ़ाई तो वनराज का ही फर्ज है ना। बाकी बेटा तूने पापा से पैसे मांगे उसमें कोई गलत नहीं किया, पर बेटा अगली बार जब ऐसा कुछ करना हो तो मुझसे या तेरी मम्मी से बात कर लेना। क्या है बेटा, कुछ फैसले बड़े ले तो अच्छा है। ओके बापूजी, एंड सॉरी इस बार आपसे नहीं पूछा। खा ले बेटा। Thank you.
आपका नया अकाउंट खुल चुका है और ये रही आपकी नई चेकबुक। और ये रहा तुम्हारे आत्मसम्मान पे पहला थप्पड़। कल बड़ी अकड़ से कहा था ना कि अब मैं करूंगी, एक ही दिन में औकात समझ में आ गई। ये तो सिर्फ शुरुआत है अनुपमा। बच्चों को जब हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए मेरी तरफ देखना पड़ेगा तो उन्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि उनकी जिंदगी में मेरा होना कितना जरूरी है। मीटिंग का टाइम हो गया, लेट्स गो। मम्मी, आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं और मैंने पापा को थैंक यू का मैसेज भेज दिया। क्या हुआ मम्मी? सॉरी बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। इसका मतलब ये नहीं कि आप करना नहीं चाहती या फिर आपको मुझसे प्यार नहीं है। आई अंडरस्टैंड मम्मी, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, पर पैसे आप अभी उतना कमाते नहीं हो ना। एंड आई एम श्योर आगे जाके ना आपकी क्लास बहुत अच्छी चलेगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे और आप बहुत सारे पैसे कमाओगे, पर अभी मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। बट डोंट वरी, पापा है ना। तुम्हारा फोन। थैंक यू। चलो अब चलो भी। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो ने अनुपमा को पैसे भेजे और मुझे बताया तक नहीं। ये सुबह के झगड़े के वजह से अपसेट है या मुझसे कुछ छुपा रहा है? एनीवे, वी से मैं क्लियर कर लूंगी, लेकिन सवाल ये है कि अनुपमा वी से पैसे क्यों मांग रही है? वैसे तो सेल्फ रिस्पेक्ट का ढोल बजाती रहती है, अब क्या हो गया? कहीं वी को वापस आने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल तो नहीं कर रही है? आज अच्छी रही हो क्लास। मैं कल मिलती हूँ। नंदिनी, वो जो मैंने सवारे समर से कहा था, उस बात के बारे में तुम भी जरूर सोचना। जी आंटी। आओ जी। बाय। जल्दी से जाके खाना बना देती हूँ, बापूजी के दवाई का टाइम हो जाएगा। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मुझे दो, जल्दी से सबमिट करना पड़ेगा। या ओके। मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रही हूँ, तुम घर चले जाना। इंपॉर्टेंट काम? कहीं इंपॉर्टेंट काम वो लड़का तो नहीं? नो नो, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट काम हो, कम से कम बता के तो जाना चाहिए। बैठो। नो थैंक्स। पानी? नो थैंक्स। चाय या कॉफी लेकर आऊं? मैं यहाँ चाय कॉफी नहीं, कुछ और लेने आई हूँ। जो मेरे पास था वो तो तुम पहले ही ले जा चुकी हो काव्या, तो इसीलिए तुम उसे वापस छीनने की कोशिश कर रही हो, राइट? ओ प्लीज अनुपमा, ये भोली भाली बिचारी अबला नारी बनने का नाटक करना बंद कर दो अब। जो कहना है काव्या साफ साफ कहो ना। वो ही करने आई हूँ। तुमने जो ये खुशफहमियां पाल रखी है ना, उन्हें दूर करने आई हूँ मैं। आई अंडरस्टैंड कि मेरे और वनराज के अफेयर से तुम्हें बहुत गहरी चोट पहुंची है, पर जो है सो है। साथ काम करते करते अगर हमें प्यार हो गया तो हम क्या करें? और प्यार में ना ही दिल चलता है और ना ही दिमाग। बट यू डोंट वरी, मैं यहां सफाई देने नहीं आई हूं। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं कि सच को एक्सेप्ट कर लो, वनराज ने तुम्हें छोड़ दिया है। सो प्लीज ये सपने देखना बंद कर दो कि वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। Just let him go completely. आवाज नीचे काव्या। बापूजी सो रहे हैं, आवाज नीचे। फाइन, नॉर्मल टोन।
वनराज तुम्हारे साथ खुश नहीं था, इसीलिए वो मेरे पास आ गया। मगर तुम तो उसे वहां भी खुश नहीं रहने दे रही हो। तुम हम दोनों से बदला ले रही हो, यहाँ हमें अलग करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि शायद फाइनली तुम्हें रियलाइज हो गया है कि वनराज के बिना ये घर नहीं चल सकता। आई डोंट नो कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। एंड ऑनेस्टली आई डोंट इवन केयर। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि 8 साल से तुम मेरे और वी के बीच आ रही हो। इनफ नाउ, मेरे और वी के बीच में आना बंद कर दो। मैं बीच में आई? हाँ, और अब भी आ रही हो, और वो भी इतनी चालाकी से आ रही हो ना कि वनराज समझ ही नहीं पा रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कहकर पूरा घर हथिया लिया। मेरी फैमिली कहकर वनराज को अपनी फैमिली से दूर कर दिया। मुझे तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे बी से मतलब है, उसकी प्रॉपर्टी से नहीं। मगर तुम्हें तो प्रॉपर्टी के बाद पति भी चाहिए, और उससे मुझे फर्क पड़ता है। तुम तो वनराज के पीछे ही पड़ गई हो। कभी उसके लिए खाना बना के खिलाना, कभी बा को यूज करना, अपने बच्चों को यूज करके उसे मैनिपुलेट करना, उससे पैसे मांगना, और फिर पैसे मांगने के बाद थैंक यू के मैसेजेस करना। व्हाट डू यू थिंक? हां, मुझे दिखता नहीं है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। जब तुम दोनों के बीच कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर तुम मेरे वनराज पर हक जताने की कोशिश क्यों कर रही हो? हक तो जब था तब भी नहीं जताया काव्या, और अब तो मैं अपनी मर्जी से सारे हक छोड़ चुकी हूँ। तुम कहती कुछ और करती कुछ और ही हो। मगर एक बात कान खोल के सुन लो, वनराज मेरा है और तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकती। फिर चाहे तुम उसके पेरेंट्स को यूज करो या उसके बच्चों को। सुन लिया कि तेरी प्यारी काव्या यहां आके क्या तमाशा कर रही है? काव्या, ये क्या किया तुमने? मुझे घर जाना होगा, घर जाना होगा मुझे। तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम है तो खुद डील करो। अपने सास ससुर की हेल्प लो, अपने मायके वालों की हेल्प लो, जिसकी भी हेल्प लेना है लो, आई डोंट केयर। मगर मुझे और वनराज को अकेला छोड़ दो। अभी हमने अपनी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं की है, 2 दिन नहीं हुए हैं और तुमने हमारा जीना आराम कर रखा है। और ये मत सोचना कि मैं वनराज के पैसों पर हक जताने की कोशिश कर रही हूँ। वनराज के पैसे उसके हैं, मगर वनराज मेरा है, और ये बात तुम कभी मत भूलना। मैं तो कभी भी कुछ भी नहीं भूलती काव्या, पर शायद तुम भूल गई हो कि किसी के पति को तो चुराया जा सकता है, पर किसी के पिता को नहीं। तुम्हारे वनराज के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इस घर के साथ, बा बापूजी के साथ, मेरे बच्चों के साथ रिश्ता था, है और रहेगा। अगर अपने साथी के रिश्तों से इतनी तकलीफ है, तो ऐसा साथी ढूंढना था ना जिसके पहले से ही इतने सारे रिश्ते ना हो। और रही बात खाने की, तो तुम्हारे वनराज फिर भी इस घर के बेटे हैं। हमारे यहाँ कोई पराये भी खाने के समय आए ना, तो उसे भी खाना खिला के ही बेचते हैं। ओ शट अप! अरे तू शट अप! और तेरा पूरा खानदान शट अप! और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की इस दहलीज को पार करने की, मेरी बहू से ऐसे बात करने की? हाँ, आप बीच में मत बोलिए बाप, मैं अनुपमा से बात कर रही हूँ। तो तुझे बहू और सास के रिश्ते का उसूल पता नहीं है? बहू को डांटना, उसको ताने मारना, वो सास का हक है, और लीला ये हक किसी को नहीं देती। ऐसे एरे गेरे घर तोड़ने वाली हवा हवा इनको तो जरा भी नहीं देती है। आप बा, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ। मैं बस इतना ही कहने आई हूँ कि मैं यहाँ अपने हक के लिए लड़ने आई हूँ। मेरा ना एक दिन मंदिर में चप्पल चोरी हो गया था। वो चप्पल चोर मेरे पास आया और चप्पल ठीक करने के 2 रुपये मांगने लगा। तो मैंने उसे क्या कहा पता है? मैंने उसके कान के नीचे सितार बजाई और कहा कि चोरों के हक नहीं होते।
मैं बिना सितार बजाए तुझे ये कह रही हूं कि चोर के हक नहीं होते। बात जबान संभाल के बात कीजिए। शुक्र करके मैं जबान से काम ले रही हूँ। वनराज का लियाज नहीं होता ना तो अब तक तो मेरे एक हाथ में चप्पल होता और दूसरा हाथ में तेरा माथा। बहुत शांत हो जाइए। नहीं, शांत हो जाइए और तुम भी चुप रहो काव्या। बापू जी सो रहे हैं। आई डोंट केयर। अगर चुप कराना है तो इन्हें चुप करवाओ जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही है। अच्छा तू करने के पहले नहीं सोचती है तो मैं बोलने से पहले क्यों सोचूं? जो किया है मैंने अकेले नहीं किया है बा। आपका बेटा भी इन्वॉल्व था ठीक है। हाँ तो उसके गाल पे तो एक हारमोनियम बजा चुकी हूँ अब तेरे गाल पे तबला बजाओ। बस 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 बस। काव्या भी पागल हो गई है। क्या जरूरत थी उसे घर जाने की? डैम, अरे इस लिफ्ट को भी अभी खराब होना था। मेरी बात से ऊंची आवाज में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है काव्या। रही बात इनकी तो वो अपना घर परिवार छोड़कर तुम्हारे साथ रह रहे हैं तुम्हारे घर में। वो अब मेरे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के नहीं है। वो मेरे साथ रहें या तुम्हारे साथ किसी के बेटे किसी के पिता और किसी के भाई वो हमेशा रहेंगे। बात जब उनके और उनके परिवार की हो ना तो कोई बीच में नहीं आता। मैं पत्नी होकर उनके और उनके माँ बाप या उनके बच्चों के बीच में नहीं बोलती तो तुम किस हक से बीच में आ रही हो? इस बात का ताना नहीं दे रही हूं कि मैं अब भी उनकी पत्नी हूं और तुम सिर्फ औरतें सुकून से क्यों नहीं रह सकती हैं? पता नहीं इन्हें तमाशा करने में क्या मजा आता है। अरे चलो यार यहीं घर बसाओगे क्या? काव्या तलाक पति पत्नी का होता है बाकी रिश्तों का नहीं। खून के रिश्तों में झगड़े हो सकते हैं मन मुटाव हो सकता है पर वो रिश्ते खत्म कभी भी नहीं हो सकते। पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी ढूंढ सकता है पर वो अपने बेटा बेटी को छोड़कर दूसरे बच्चे नहीं ढूंढता। अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे माँ बाप नहीं ढूंढता। इसलिए एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं बदलेगा। कुछ भी नहीं। कल को तुम शादी करके उनकी पत्नी भी बन जाओ ना तब भी कुछ नहीं बदलेगा। उनके रिश्ते उनके साथ आएंगे ही आएंगे। शायद पत्नी और गर्लफ्रेंड में यही अंतर है। पत्नी को लगता है कि बाकी रिश्तों की वजह से पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया जबकि गर्लफ्रेंड को लगता है कि बाकी रिश्तों की वजह से उनका रिश्ता कमजोर हो जाएगा टूट जाएगा। वो जितने तुम्हारे हैं उतने अपने माँ बाप के भी हैं अपने बच्चों के भी हैं। मैं चाहे उनकी पत्नी ना रहूं पर उनके बच्चों की माँ हमेशा रहूंगी। जिस दिन तुम इस सच को मान लोगी ना काव्या उस दिन तुम्हारे मन का डर अपने आप खत्म हो जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।